सुर संगम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं सुर संगम वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों, आज का जो भजन है बहुत ही जबरदस्त है और इस भजन की खास बात यह है कि इसमें मतलब कि दो चार चीजें हैं, पैटर्न जो है वो तीन या चार पैटर्न है, उसके बाद में इसमें जो सारा खेल है वो सुरों का है, या मैं कहूँ इम्प्रोवाइज का है। जिसका जैसा दिमाग है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो इम्प्रोवाइज करे, बस यही इस भजन की खास बात है। तो इसको मैंने मुखड़े और अंतरा की बजाय मैंने इसको चार पैटर्न के अंदर इसको मैंने मतलब कि आपके दिमाग में ये चीज़ इजीली चली जाए, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये भजन हम भी मतलब कि प्रिपेयर कर सकते हैं या गा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको पैटर्न का रूप दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सुर कौन कौन से लगेंगे। तो पहली बात ये रखें कि गा और नी हमारा माइनर रहेगा, चाहे हम तार सप्तक में जाएं, चाहे हम मंद सप्तक में जाएं, और मध्य सप्तक की मैं यहां से बात करता हूं। तो गा और नी माइनर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज वो ध्यान रखने वाली है, चाहे हम मंद सप्तक में रहें, चाहे मध्य में रहें, या तार में रहें, हमको धा बिल्कुल निषेध है, धा का यूज नहीं करना है, किसी भी धा का, माइनर चाहे मेजर, ठीक है। तो एक बार और उसको बता देता हूँ, सा रे गा मा मा, दोनों धा छोड़ना है, नी सा सा नी धा सा नी मा मा गा नी सा नी मा मा गा नी सा, ठीक है। नीचे के सप्तक में आ जाता हूँ, मंद में तो मैं आप देखेंगे यहाँ पर कि एक तो नी माइनर और उसके बाद में धा को छोड़ना है दोनों को, नी सा नी सा नी मा नी सा गा मा मा नी सा, ठीक है। तार सप्तक में जाएंगे तो वही चलेगा फॉर्मेट, गा और नी माइनर और धा को हमको छोड़ना है, ठीक है। तो इसको मैं पैटर्न कहूं चाहे मुखड़ा कहूं, मैं पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जिसको मुखड़ा समझना है मुखड़ा, जिन्होंने सुन रखा है, बाकी मैं इसको आपको मैं पैटर्न बताऊंगा तो उस हिसाब से आप पैटर्न के हिसाब से समझाना ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हल्का सा गुनगुना के बता देता हूं, कोशिश है मेरी, और कुछ अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए तो प्लीज। सा से शुरुआत है और जब हम ये पा और इसकी बात करेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रहेगा, पैटर्न है जहां कहूं कि आप इसको मुखड़ा कहें चाहे अंतरा कहें, ये तीन पैटर्न हैं। इसके अलावा एक पैटर्न और है, उस पैटर्न में क्या है कि हम लोग मध्य सप्तक में और तार सप्तक में घूमते हैं, बस
और इस भजन की खास बात यही है कि इसमें जो इम्प्रोवाइज जितना जैसा कर सकता है बस वही सक्सेस है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो क्या नाम से तीनों जो पैटर्न है उनको मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पैटर्न है मुझे मेरी मस्ती, सा सा रे सा नी सा रे सा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, गा गा रे सा, मुझे मेरी इसको बिल्कुल स्लो में आप देखिएगा। मुझे मेरी थोड़ा सा विब्रेटो इसमें यूज करना है जब हम पापे और यहाँ पर नी पे आएंगे, आई वापस गए सारे नाम पा और पा से शुरुआत है ओ कहां लेके आए, कहां लेके आए, क्या क्या मैंने पा मांगा मांगा रे मांगा रे सा, पा मांगा मांगा रे मांगा रे सा, कहां लेके आए।
मुरकी जैसा है। ये वही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब अंतरे की बात करते हैं तो अंतरा भी मतलब लगभग सेम चलता है, लेकिन उसको धीरे 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 हम मध्य सप्तक से तार सप्तक की ओर लेके जाते हैं, और तार सप्तक में जो हम काम करते हैं वो सब सुरों के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये समझ लीजिए कि भजन आपका तैयार हो चुका है, लेकिन बस जो तार सप्तक के अंदर जो हम इम्प्रोवाइज करेंगे वो चीज का इम्प्रोवाइजेशन आप जितने भी लोगों ने इसको, अच्छे लोगों ने जिसको गाया है इस भजन को, तो उनका आप देखोगे तो उन्होंने अपने अपने अंदाज से इम्प्रोवाइज कर रखा है। बस इम्प्रोवाइज आप भी कर सकते हैं, बस क्या करना है आपको कि आपको सुर पता होने चाहिए। और सुर मैंने बता दिया कि धा निषेध है, गानी माइनर है, और चाहे तार में जाओ चाहे नीचे आओ, ठीक है। तो अब इसकी मैं एक अंतरा आपको हल्का सा बताता हूं। पता जब लगा, ये वही तीसरा पैटर्न है। पता जब लगा मेरे मस्ती का मुझे, देखिए जो जो अंतरा है सब में अलग अलग पैटर्न किसी ने यूज किया है। कोई यहां से शुरू कर रहा है नी से, पता कोई यहां से शुरू कर रहा है, कोई आपको मैं जो है अलग अलग अंतरा नहीं एक ही अंतरा बताता हूं, और उसमें आपको मैं पूरा तार तक लेके जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पता जब लगा मेरे हंसने का मुझे को, पता जब लगा मेरे हंसने का मुझे को, मैंने क्या किया है। इसमें क्या किया मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ओ पता जब लगा क्या किया ये आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं। सीधा रे से यहां पर पूरा नी करके साथ आ गया, पता जब लगा मेरे मस्ती का मुझे को, मैं कुछ लोग बताता हूं, पता जब लगा ओ पता जब लगा मेरे मस्ती का मुझे को, बाद में अपन वही शुरू कर सकते हैं। सिवा मेरे अपने नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती
पे बीट टूटेगी। अब इसी अंतरा को मैं रे तक गया ना, आगे जा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपका रेंज कितना है। चलो मैं अगली अंतरा ले लेता हूँ। यहाँ से बिल्कुल मंद सप्तक, मध्य सप्तक से बात करता हुआ और तार सप्तक जाता हूँ।